हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और होम रेमेडी लेके आई हूँ। बहुत इजी है इसे बनाना, और आई थिंक आप लोगों ने मेरी काफ़ी सारी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसमें मैंने एक इंग्रेडिएंट और ऐड किया है जो बहुत ही ईजी है, और इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे भी। और मैंने भी काफ़ी जैसे जिससे मेरे रूट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग हो जाती है वाइट हेयर्स में, जिनकी छोटी उम्र होती है उनके लिए तो ज़्यादा वरदान साबित होगा, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ने नहीं देता हमारी स्किन के आगे। क्योंकि हम अगर रूट्स में अगर हम इसको लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको, क्योंकि ये घरेलू तरीका है, होम रेमेडी है, इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर हम कभी कोई केमिकल लगा लेते हैं या कोई डाई यूज़ करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, 5 से 10 दिन बाद जो है फिर से आना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक की जगह चार जो है बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं वाइट हेयर, उसके बाद जो 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, ऐसे करते करते जो हमारे वाइट हेयर से पूरे हेयर्स जो है छोटी उम्र में 35-40 की एज में ही जो है हम लोगों के जो सारे जो बाल है सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, उसके लिए आपको मेरी आगे वीडियो देखनी पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ सफेद बालों को काला कैसे किया जाए। इंस्टेंट आप इसको जो है अपने बालों को काला, और ये नेचुरल तरीका है, इसको जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। एक मैंने यहाँ पर बाउल लिया है, मगर हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं जो यहाँ पर ले रही हूँ अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। अगर आप इसको जो है कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, सभी को जो आपको अपने ही एक मात्रा में लेना है। जैसे अगर मैं कोई मेहंदी भी लेती हूँ 1 स्पून, तो आपको भी 1 स्पून ही लेना है। अगर आपके हेयर्स अगर ज़्यादा लॉन्ग है तो आप उसको जो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मगर सभी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखनी है आपको। अगर 2 स्पून रखते हैं तो 2 स्पून ही आपको सभी लेना है। यहाँ सबसे पहले जो मैं ऐड करने वाली हूँ इंडिगो पाउडर। आपको पता ही है कि इंडिगो पाउडर जो इंस्टेंट हमारे बालों को काला करता है। यहाँ पर मैं लूँगी इंडिगो पाउडर, साथ में मैं लूँगी इसमें आंवला पाउडर। आंवला पाउडर से विटामिन सी होता है, जिससे कि हमारे बालों को जो है ग्रे हेयर्स को रोकता है, बिल्कुल आने नहीं देता है। यहाँ पर मैं लूँगी ये आंवला पाउडर, और साथ के साथ मैं लूँगी हिबिस्किस पाउडर। आपको पता है कि ये हमारे बालों को जो है अच्छा सा कलर देता है। अगर हम ब्लैक लेते हैं तो ज़्यादा देर तक रखते हैं तो इससे जो हमारा जो हेयर्स है बिल्कुल भी वाइट नहीं आते हैं। या मैं हिबिस्किस पाउडर लूँगी, और हाँ इसके साथ साथ हमें जो है थोड़ा सा हमें जो है लेमन लेना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब मीन्स 4 से 5 ड्रॉप्स हमें जिसमें लेना है, हमें इसके अंदर हमें ये लेना है। इसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो हमारी स्किन और हेयर्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, और इसके अंदर विटामिन ई होता है जो हमारे हेयर्स को जो है बहुत मजबूत रखता है, स्किन हमारी जो हेयर्स है उसको कंडीशनिंग करता है। और इसमें जो है हमें थोड़ा सा इसके अंदर जो हमें इसको इसी से ऐड करना है, और इसी से जो है आपको एलोवेरा जेल जो आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है इसी से आपको जो इसको एक लेप की तरह लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपके वाइट हेयर्स है तो आप इसको वहाँ वहाँ लगा सकते हैं। और हाँ, आपको इसमें जो है बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, आपको इन्हीं से जो है अपने आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है, अगर मार्केट का एलोवेरा जेल है तो आप इसको भी अच्छे से जो है ऐड कर सकते हैं। इसमें जो है कोई भी पानी ऐड नहीं जाएगा, और ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसमें ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। आप इन चीज़ों से जो अपने बालों को काला कर सकते हैं। इसको जो है 10 से 15 मिनट इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको जो है अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, या आप इसको जो ओवरनाइट रख के इसके बाद नेक्स्ट डे भी आप इसको लगा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देगा। आप ये खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि आपके जो हेयर्स है धीरे धीरे जो है ग्रे से जो है वाइट हेयर से जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको इसका रिजल्ट कैसा निकलता है। देखिए ये मेरा जो पेस्ट बनके तैयार हो गया, ये भी मैंने इंस्टेंट बनाया है। तो आप मैं इसको जो है आधा घंटा इसको ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसको जो अपने हेयर्स पे या किसी के भी हेयर्स पे इसको जो है अप्लाई करूंगी। जब भी आपके जो वाइट हेयर्स होते हैं आप इसको अप्लाई कीजिए, और इसमें देखिए आप बिल्कुल नेचुरल इसमें जो लिक्विड है बिल्कुल एलोवेरा जेल से जो हमारे स्किन को जो बिल्कुल और हमारे हेयर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। हम इस तरीके से अगर अपने बालों पर लगाएंगे, अगर आप इसको मंथ में अगर इसको 5 से 6 टाइम्स, अगर वीक में इसको 1 टाइम लगाएंगे, तो आपके बाल जो है अगर वाइट हेयर्स जो आने स्टार्ट हो गए वो भी आना बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ के साथ आपको इससे जो है हेयर फॉल की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे बालों से रिलेटेड है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल है, हिबिस्किस पाउडर है, मैंने इसके अंदर इंडिगो पाउडर भी ऐड किया है, साथ के साथ जो मैंने आपको दिखाया आंवला, जो हमारा आंवला जैसे हम खाने में हमारी स्किन को और हमारी जो बॉडी को अच्छा रखता है, टॉक्सिन करता है, वैसे ये जो हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इसमें विटामिन सी होता है, और ये जो मैंने सारा इंग्रेडिएंट मेरा जो है बनके तैयार हो चुका है, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर। ऐसे में होम रेमेडीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाय, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।